How many new people are here in the hall? New people, stand up. First time seminar, stand up. Give them a big hand. All right. Awesome. Fantastic. Very good. Very good. Now, I have done my master's in mechanical. मैकेनिकल में मास्टर्स किया हूं. ओके okay? और नेहा ने एमबीए किया है. ओके okay? एमबीए का फुल फॉर्म मालूम है क्या? माय बिजनेस इज एमवे. ओके और दोनों प्रोफेशनल्स है. ओके okay? बहुत अच्छी नौकरी है अमेरिका में, लेकिन बिजनेस के बारे में बहुत सीरियस एक्साइटेड अबाउट फ्यूचर थ्रू Brit Worldwide Amway Corporation. Okay, but कौन यहां PhD किया है? PhDs, any PhDs here? So raise your hand. PhD, 1, 2, 3, 4. Okay, ऊपर कोई PhD है क्या? भगवान लोग. Okay, no PhDs. Okay, how about masters? Masters है. All right. Okay, great. How about bachelors? Wow, okay. How about high school graduate? High school graduate. They will go diamond faster than anybody else. Lesser the education, bigger your business. Okay? Lesser the education, bigger your business. You know, agar aap soch rahe hain ki mere paas education nahi hai. Okay? Mere paas paisa nahi hai. मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है. अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो ये बिजनेस वो सब नहीं देखती है. ये बिजनेस देखती है अगर आपके पास ड्रीम है या नहीं. इफ यू हैव अ ड्रीम यू विल मेक इट इन दिस बिजनेस. ओके, हमारे पास एजुकेशन था, एजुकेशन है, लेकिन यू नो एजुकेशन डिड नॉट मेक अस एमरल्ड. Education is not going to make us diamond, but the Brit Worldwide support system is going to make us diamond. Okay, so agar aap okay 2 saal Brit Worldwide system mein seminars, tapes, functions sab attend karenge, wo to MS ke barabar hai. Okay, MS PhD ke barabar hai 2 saal Brit Worldwide mein. Okay, aur That will, you know, financially आपको you know MS से भी बहुत ज्यादा पैसा you know कमाने देगी वो. ओके, लेकिन मैं एक एक्सरसाइज करूंगा अभी. ओके, कलकत्ता में एवरेज टीचर का इनकम क्या होता है? टीचर 10,000. ओके, 10,000 टीचर और टीचर का वाइफ दोनों. ओके, 10,000. ओके, नाउ हाउ अबाउट एवरेज इंजीनियर? 20,000. ओके, हाउ अबाउट lawyer? 10,000. okay, 15,000. okay, how about chartered accountant, CA? okay, yes, passed, not failed chartered accountant. okay, passed. CA stands for what? CA stands for complete Amway. okay, by the way. okay, chartered accountant is let's say 40,000. okay, how much does a DD in Amway make? Let's say 50,000. I know 60,000-70,000, but let's say $50,000. Okay, now, agar, okay, agar teacher ko kuch ho gaya, okay, his wife will never make 10,000 rupees. Engineer ko kuch ho gaya, uske bibi nahi kar sakegi engineering. Lawyer aur chartered accountant bhi waise hi. Agar Amway mein DD ko kuch ho gaya, wo 50,000 rupees वाइफ कर सकती है. नाउ ओके, इसीलिए मैंने और नेहा ने ये बिजनेस करना शुरू किया था, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा डिग्री थी. यू नो वी टू मेक $100,000 इन नॉर्थ अमेरिका, और नेहा उनके प्रोफेशन में $70,000-$80,000 कर रही थी. सो फिनेंशियली हमें ये बिजनेस नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग अच्छा कर रहे थे, अच्छा गाड़ी था, यू नो
इट वॉज कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, लेकिन हमें मालूम था कि अगर कुछ हो गया हमें वो लाइफ स्टाइल हम लोग यू नो मेंटेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो रेजिडुअल इनकम नहीं था। इस बिजनेस में रेजिडुअल इनकम मिलेगा आपको, इसीलिए हम लोगों ने सिक्योरिटी के लिए किया था इनिशियली ये बिजनेस। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने आप काम यू नो कारोबार और काम पे, यू नो यू आर डूइंग वेल इन योर करंट प्रोफेशन, डू यू रियली नीड टू बिल्ड इट? ओके, अगर आप अच्छा कर रहे हैं आपके प्रोफेशन में, आपको बहुत फास्ट बिजनेस यू नो बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशन इज टेम्पररी, बिजनेस इज परमानेंट। ओके, सो इफ यू आर हैविंग नो एजुकेशन डजंट मैटर, इफ यू आर हैविंग हाई एजुकेशन, PhD वाले, PhD स्टैंड्स फॉर पीपल हेडिंग डायमंड। ओके, हु इज PhD? ओके, PhD स्टैंड्स फॉर पीपल हेडिंग डायमंड, इट इज नॉट पुअर हंग्री एंड डेस्परेट। ओके, इट्स पीपल हेडिंग डायमंड, ऑलराइट? सो डोंट वरी अबाउट, इफ यू हैव हाई एजुकेशन ग्रेट यू कैन मेक इट, इफ यू हैव लो एजुकेशन डजंट मैटर यू कैन मेक इट। ओके, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है डजंट मैटर यू कैन स्टिल बिल्ड दिस बिजनेस बिग टाइम। ओके, माई मिडिल क्लास फैमिली से हूं मैंगलोर में। ओके, बजाज MAT था हमारा बजाज। ओके, इतना है बस। ओके, लेकिन टूडे वी हैव बिल्ट अ बिजनेस टू अ लेवल वेयर बोथ ऑफ अस ड्राइव लेक्सस कैश पेड कार्स। ओके, बट यू डोंट हैव टू क्लैप, बट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो वॉट द बिजनेस कैन डू फॉर यू। ओके, लेकिन यू नो इफ यू आर न्यू हियर, अगर आप यू नो नए हैं इस ऑडिटोरियम में, ओके, यू जस्ट लर्न, यू जस्ट यू नो एब्जॉर्ब एवरीथिंग, बिकॉज दिस सेमिनार कैन चेंज योर लाइफ, बिकॉज नॉट बिकॉज वी आर टॉकिंग, बिकॉज द सिस्टम विच यू आर फॉलोइंग कैन चेंज योर लाइफ। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू प्लीज हेल्प यू वेलकम नेहा शेनॉय। थैंक यू। थैंक यू कैलकटा। मैं और गणेश डेफिनेटली कैलकटा टीम के बहुत आभारी है, बिकॉज आपने हमको बहुत स्पेशल यू नो ट्रीटमेंट दिया है। इवन लास्ट सेशन जो हम यहाँ थे सब लोग, आई मीन वेरी लविंग, वेरी वेलकमिंग। हमारा हम लोग सिर्फ आज ही सुबह अमेरिका से आए हैं, वी जस्ट लैंडेड बॉम्बे में आज सुबह और स्ट्रेट कैलकटा आए हैं, एंड वी आर फीलिंग हमारा फर्स्ट ब्रिज सर्किट कैलकटा से शुरू हो रहा है। और थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस फील स्पेशल। मैं और गणेश ओरिजिनली इंडिया से हैं, वी आर गणेश इज फ्रॉम मैंगलोर, मैं पूना से हूँ, और हम लोग डिट्रॉयट मिशिगन में रहते हैं USA में, और वहाँ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं दोनों साथ, हस्बैंड वाइफ टुगेदर, एंड वी आर एंजॉयिंग बिल्डिंग दिस बिजनेस टुगेदर। एंड मैं बस बताऊंगी कि मैं इस बिजनेस में कैसे आई, बिकॉज अगर मैं गणेश से शादी नहीं करती तो मैं बिजनेस में नहीं आती। और मैं ओरिजिनली पूना से हूँ और बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे बोथ पेरेंट्स आर प्रोफेशनल्स, मेरे पिताजी जो हैं इंजीनियर हैं, और मेरी मेरी माताजी जो है शी इज अ टीचर, और हम दो बहनें, वी आर टू डॉटर्स। मेरी बड़ी बहन तो लॉयर है और मैंने MBA किया हुआ है। हमको वी लर्नड अ लॉट एज यंग चिल्ड्रन, जब हम लोग ग्रो हो रहे थे, कि यू नो कि एजुकेशन से ही कोई इंडिपेंडेंट बन सकता है, बिकॉज वी थॉट अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, बिकॉज जॉब नहीं मिलेगा, एजुकेशन जॉब चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तो यू गॉट बी मोर क्वालिफाइड। तो मास्टर्स किया, बिकॉज वी थॉट आई गॉट वेरी, मुझे लगा कि सिर्फ मास्टर्स होने से यू नो आई कैन गेट इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और करियर लैडर पे यू नो चढ़ सकती हूँ, एंड आई कैन बिकम वाइस प्रेजिडेंट ऑफ अ कंपनी। दैट वॉज माई आइडिया वेन आई वॉज ग्रोइंग अप। और मेरे पेरेंट्स वर फॉर इट, बिकॉज उनको भी लगा कि दे स्टडीड, दे वर्क हार्ड एंड दे स्टडीड टू ब्रिंग अस अप इन द राइट डायरेक्शन। और
गणेश और मेरी शादी जब तय हुई थी तो बहुत ही पुराने यू नो ढंग से तय हुई थी. इनफैक्ट हम दोनों मिले नहीं थे. इट वॉज डिसाइडेड बाय आवर पेरेंट्स. और गणेश यूएस में थे, मैं यहाँ थी. तो द ओनली रीजन मैंने गणेश से शादी की बिकॉज वो उसने एमएस किया हुआ था. तो इट वॉज एक्चुअली एमबीए मैरिंग एमएस. इट वॉजंट नेहा मैरिंग गणेश. सो बट आई अग्रीड बिकॉज पेरेंट्स मेड द राइट डिसीजन. एंड हम लोग ने ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स सेइंग दैट यू विल मेक द राइट डिसीजन. एंड बिलीव मी दे हैव मेड द राइट डिसीजन फॉर मी टुडे. बट आई डिडंट मेक अ राइट डिसीजन व्हेन मैरिंग बिकॉज आई मैरिड हिम फॉर हिज डिग्री. एंड व्हेन हमारी जब शादी तय हुई थी तो मैं बहुत खुश थी बिकॉज दिस इज वॉट आई वॉन्टेड इन लाइफ. और मैंने सोचा कि बस ऑल सेटल्ड, ये लड़का अमेरिका में है, एमएस किया है, जॉब है अच्छा, और मैंने एमबीए किया है, अमेरिका जाऊंगी वहां काम करूंगी, दोनों यू नो वेल सेटल्ड होंगे, गुड इनकम आएगा. एंड आई थॉट आई एम ऑल सेट. और शादी इतनी जल्दी तय हो गई कि टाइम नहीं था. तो एक महीने में, बाय द टाइम द डेट वॉज फिक्स्ड, एक महीने में वी वर गोइंग टू गेट मैरिड. और सडनली किसी ने मुझे बोला कि हाँ, लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, पर तुम थोड़ा पूछताछ करो बिकॉज लड़का कोई बिजनेस कर रहा है अमेरिका में. तो जब मैंने ये बिजनेस का नाम सुना तो मुझे डर लगा. मैंने कहा कि क्या बिजनेस है? तो उसने बोला कुछ है, मार्केटिंग बिजनेस है, तुम देखो पूछो उससे. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने सोचा गणेश से ही पूछती हूँ, अभी पति है उससे, यू नो आई शुड हैव गुड कम्युनिकेशन. तो डायरेक्टली पूछ नहीं सकी बिकॉज यू नो आई टू कीप अ गुड पॉस्चर. तो मैंने कहा कि तुम दिन कैसे बिताते हो, लाइक हाउ डू यू स्पेंड योर डे? तो गणेश ने कहा कि कुछ नहीं, सुबह उठता हूँ, आई यू नो आई गो फॉर माई जॉब. जब उसने जॉब कहा, मैंने बोला ठीक है, जॉब करता है, ऐसे कुछ नहीं है कि जॉब छोड़ा है. और मैंने कहा शाम को क्या करते हो? ही सेड शाम को एक बिजनेस है जो मैं कर रहा हूँ, तो वो साइड बिजनेस है. अभी जो उसने बिजनेस कहा, मुझे डर लगा बिकॉज मुझे लगा कि अभी ये उन्होंने जो कहा था ठीक ही है. तो और ये एमवे का नाम मैंने बहुत सुना था, तो मुझे लगा ये काश ये एमवे ना हो. और मुझे एमवे से, वो वर्ड से, सिर्फ एमवे नाम से इतनी घृणा थी कि मुझे वो कहना नहीं था. तो मैंने कहा कि क्या ये बिजनेस जो तुम कर रहे हो वो क्या ए से शुरू होता है? तो अभी देखो, ये बिजनेस, एमवे का बिजनेस जो है, यूएसए में क्विक स्टार के नाम से कहा जाता है. तो गणेश ने कहा नहीं, ए का नहीं है, क्यू है. तो मैंने कहा ठीक है, जब ए नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी जो भी बिजनेस है चलेगा. तो उसके बाद मैंने उस यू नो उस रिलेटिव को बोला कि नहीं नहीं वो ए बिजनेस में नहीं है, वो कुछ क्यू बिजनेस में है. तो वो उसने कहा नहीं नहीं ए और क्यू एक ही है, सिर्फ दो अलग नाम है पर सेम बिजनेस है, एमवे ही है. तो अभी शादी के लिए सिर्फ एक वीक बचा था. तो मैंने कहा लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, अभी यू नो एमवे की वजह से शादी क्यों तोड़ना. और मैंने सोचा कोई बात नहीं, शादी लाइक शादी हो जा रहे दो, उसके बाद पत्नी हूं, निकाल दूंगी बिजनेस से. और इसलिए मैंने शादी की. उसके बाद मैंने गणेश से कुछ नहीं पूछा इस बिजनेस के बारे में. मैंने सोचा कि यू नो ये बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो सिंगल था, कुछ काम नहीं था, इसलिए शुरू किया होगा बिजनेस. और पर मुझे जब मैंने शादी की, मुझे ये एक पता चला कि गणेश को ये बिजनेस बहुत ही चाहिए था बिकॉज वो अमेरिका से बॉम्बे आया, बॉम्बे में उसने प्लान दिखाया और नेक्स्ट डे शादी के लिए मैंगलोर आ गया. तो मैंने कहा कि अच्छा, पहले बिजनेस और उसके बाद शादी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड. तो मैंने कहा कि अभी मैं सोच समझ गई हूं कि पहले बिजनेस गणेश की पहली पत्नी है और मैं दूसरी. सो इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. पर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं. मैंने गणेश को कहा तुमको जो करना है तुम करो, मैं इस बिजनेस में नहीं शामिल होने वाली हूं बिकॉज मेरी ये मेरे बस की बात नहीं है. मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी. और तुम्हारा अगर टीम आके मुझसे कुछ कहेगा मैं उनको डांट दूंगी. तो उनको मुझे उनको बोलो मुझसे बात नहीं करना है इसके बारे में. और गणेश ने कहा ठीक है. गणेश ने द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही वॉज, इसके जब मैं इतनी रूड थी उसके, मैं इतनी उसको बिजनेस के बारे में इतना भला बुरा कहती थी, तब भी ही इज टू बिहेव जैसे आई एम 100% सपोर्टिव ऑफ हिम, जैसे मैं उसको 100% सपोर्ट करती हूँ. एंड दैट इज वॉट चेंज थिंग्स फॉर मी. सो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड, अगर तुम्हारे टीम में
अगर तुम्हारे फैमिली में, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स में या आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एक पर्सन हो जो इस बिजनेस को आप नो पूरी तरह यू नो आपके साथ ना हो, तो आपको ऐसे यू नो बर्ताव करना चाहिए जैसे कि वो 100% तुम्हारे साथ है. एंड दैट इज वॉट इज गोइंग टू चेंज बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन एंड द डिफरेंस इज दैट यू आर अ डायमंड सो यू बिहेव लाइक अ डायमंड. तो अभी शादी के बाद यू नो गणेश वेंट टू द यूएस. मैं जल्दी नहीं जा सकी बिकॉज मेरी यूएस वीजा का सिचुएशन था. तो मैं 2 महीने मैंगलोर में रही और वहां गणेश का जो भी टीम वहां यू नो इट वॉज जस्ट ग्रोइंग मैंगलोर का टीम इसके कजन्स के साथ. मैंने उन सबको बिजनेस से निकाल दिया बिकॉज मैंने जाके उनकी माँ को बता दिया कि ये बच्चे यू नो पढ़ नहीं रहे हैं और इस उम्र में ये बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस नहीं चलेगा वगैरह वगैरह, और सबको निकाल दिया. और मैं बहुत खुश थी कि मैंने सही किया है बिकॉज मैंने इन बच्चों को यू नो सही रास्ता दिखाया है. ये बिजनेस यू नो इज नॉट द एंड इन लाइफ और एजुकेशन इज वॉट इज गोइंग टेक योर हेड इन लाइफ. और गणेश इवन देन डिडंट से एनीथिंग, तभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा. उन्होंने बस ही ट्राई टू टॉक टू देम, ही डिडंट ट्राई टू टॉक टू मी बिकॉज ही न्यू दे हैड अ ड्रीम एंड ही डिडंट नो आई हैड अ ड्रीम. सो ही थॉट इट्स बेटर टू टॉक टू देम. बट उसके बाद मैं 2 महीने के बाद यूएस आई वेंट टू द यूएस एंड बिफोर दैट आई वेंट टू मालदीव्स फॉर आवर हनीमून एंड इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रिप. बहुत ही अच्छा ट्रिप था. लाइक आई सेड आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली but the trip like Maldives was a beautiful island. In fact aap agar hamari tape sunenge to uske island ke bare mein maine bahut kuch kaha hai. Par wahan Ganesh had also rented a private jet to fly us, ek you know a 4-seater plane that it jo pani se you know takes off and lands back on water. And maine socha ki itna sab kuch ye iske paas kahan se aa gaya बिकॉज ये तो रिक्रूटर है अमेरिका में. आई मीन इतना सब यू नो कहाँ से लाएगा इतना पैसा, प्लेन और ऐसा आइलैंड पे जाना वगैरह. तो और इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में. तो यू नो मैंने बहुत वी एंजॉयड अलॉट. तो मैंने गणेश को पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे का, मुझे डर था कि होपफुली इसने कर्ज ना लिया हो बिकॉज जैसे ही जीवन शुरू कर रहे हैं कर्ज चुकाना पड़ेगा. तो गणेश ने कहा नहीं तुमको याद है तुमने मुझे पूछा था कि क्या मैं एक बिजनेस में हूं. तो मैंने कहा हाँ पूछा था. तो उसने कहा कि ये सब उस ए बिजनेस की वजह से है. और मैं जस्ट वांट टू टेल यू कि इस बिजनेस से आपको क्या क्या मिल सकता है. मेरा ड्रीम भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि इस अर्थ पे मालदीव्स नाम की जगह है जो इतनी सुंदर है. पर गणेश न्यू ऑफ इट. ही मेड अ वे टू टेक मी देयर एंड फुलफिल दैट माई ड्रीम्स कैन ग्रो एंड आई कैन सी मोर. और बट इवन देन मैं आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे इस तरह से यू नो आई मीन प्रोडक्ट्स के बिजनेस में ज्वाइन होके यू नो बड़ा बनना है. दैट वॉज नॉट वॉट आई वॉज थिंकिंग. और मैं यूएस आ गई. यूएस में यू नो मेट लॉट ऑफ पीपल. अभी वहां हमारे अपलाइंस राज और संगीता शाह, बाला और सरिता. तो संगीता प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन मी एक्सेप्टिंग द बिजनेस बिकॉज वो मेरी अपलाइन लेडी थी. और अगर मैं किसी से रिलेट कर सकती थी, एक औरत से रिलेट कर सकती थी एज अ न्यू पर्सन, दैट इज आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप साथ आए बिकॉज आपको ना लगे पर आपके टीम में एक डायमंड कपल आ सकता है जो आपकी पत्नी से रिलेट कर सकती हो या आपके पति से रिलेट कर सकती हो. एंड यू डोंट वांट टू मिस दैट पर्सन बिकॉज ऑफ यू नो यू पीपल नॉट कमिंग टुगेदर. तो साथ आइए डेफिनेटली बिकॉज इट हेल्प मी. सो आई लर्न फ्रॉम दैट. और मैं जब यूएस आई थी तो गणेश वॉज ऑलरेडी इन क्वालिफिकेशन फॉर एमरल्ड. और गणेश का बिजनेस जो है यूएस में टॉप 25 बिजनेसेस के नाम से यू नो ही वॉज कमिंग इन द मैगजीन फॉर द टॉप 25 बिजनेसेस फॉर स्पॉन्सरिंग एंड फॉर वॉल्यूम. और मैं थी 0 PV और ये थे हाइएस्ट इन वॉल्यूम इन यूएसए. तो हमारे बीच में बहुत गैप था एंड आई हैड टू रन इनके साथ टू कैच अप विद वेयर ही वॉज. पर इट वॉज द ब्रिज सिस्टम
टोटली द ब्रिज सिस्टम, माय अपलाइंस, हमारे अपलाइंस जिन्होंने टोटल सपोर्ट के साथ, और हमारे टोटल टीम्स जो हमारे डाउनलाइन टीम है जिन्होंने टोटल सपोर्ट के साथ आई एम व्हाट आई एम टुडे. एंड इट्स रियली अमेजिंग यू नो हाउ मच आई हैव ग्रोन ओवर दिस टाइम. बट वन थिंग आई वांट टू डेफिनेटली से इज के इंटेलेक्चुअली मैंने सोचा कि एमबीए हूं अभी. जब मैंने आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे यहाँ. संगीता शाह तो रोज कॉल करती थी, मेरे डाउनलाइन टीम जो है वो वेटिंग फॉर मी. अगर मैं मीटिंग में ना हूं तो नेक्स्ट टाइम वो लोग कॉल करते थे कि तुम क्यों नहीं आ रही हो वगैरह. तो इतना सारा प्यार दे रहे थे. मैंने वो देखा. आई डिडंट सी द मनी एस्पेक्ट इन इट, बट आई सॉ द लव, आई सॉ द अफेक्शन, रिलेशनशिप जो बिल्ड कर रहे थे लोग. इन स्पाइट वो सब डायरेक्ट थे और मैं एक नई पर्सन. इफ दे वॉन्टेड दे कुड हैव जस्ट सेड फॉरगेट इट, बट दे डिडंट. इट वॉज अ सिस्टम. दे वर डायमंड्स टू एंड दे एक्सेप्टेड मी द वे आई वॉज. बट यू नो वॉट रियली चेंज वॉज द रिलेशनशिप. एंड इंटेलेक्चुअली आई थॉट बींग एन एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एमबीए की डिग्री इतनी पढ़ी हुई है, मैं यूज करूंगी इस बिजनेस में. तो मैंने सोचा कि यू नो ऐसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं. पर एक बात जरूर कहूंगी, इंटेलेक्चुअली ये बिजनेस अगर आप बांधना चाहते हो तो बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज यू हैव टू अलाउ दिस बिजनेस. आपके ये बिजनेस को अपने दिल में ले लो, टेक इट इनटू योर हार्ट. टोटल पैशन के साथ अगर ये बिजनेस बिल्ड करो, इट विल बी अ वेरी इजी गेम, वेरी इजी टू बिल्ड दिस बिजनेस. बिकॉज इस बिजनेस में इट्स जस्ट पैशन, इट्स जस्ट पैशन. बिकॉज कोई भी अपना पैशन, आपका जो वो फीलिंग है, कोई भी नहीं छूट, यू नो कैन नॉट टेक इट अवे. ड्रीम जो है आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. आई मीन आपका इतने सारे स्पीकर्स आएंगे, लेक्सस के बारे में बात करेंगे, मर्सिडीज के बारे में बात करेंगे, पर वो नहीं है जो आपको आपके आपके यू नो आपके अंदर कुछ यू नो चिंगारी. इट विल जस्ट लाइट. फाइंड आउट वो क्या है जो आपको चाहिए. इट माइट बी गणेश जब शुरू किया ये बिजनेस, उसका ड्रीम था माइक्रोवेव ओवन. एंड टूडे वी हैव एवरीथिंग, वी कैन बाय एज मेनी माइक्रोवेव ओवन एज वी वॉन्ट. बट फाइंड आउट, बिकॉज वो माइक्रोवेव ओवन था जिसकी वजह से गणेश वॉन्टेड टू बिल्ड दिस बिजनेस. बिकॉज वो स्टूडेंट थे, उनके घर में कुछ भी नहीं था. और अमेरिका में स्टूडेंट यू नो खाना बनाने के लिए ओवन में डालना पड़ता है, तो वो अवन नहीं था उनके पास. बट दैट वॉज वॉट लिट अप हिज ड्रीम, एंड द ड्रीम ग्रू ग्रू ग्रू. एंड टूडे वी हैव अ लेक्सस, एंड उनका अभी नेक्स्ट ड्रीम है हिज ओन प्राइवेट जेट. सो जस्ट लेट योर ड्रीम, जस्ट यू नो फाइंड आउट वॉट इज तुम्हारा ड्रीम, क्या है तुमको क्या चाहिए. इट मे नॉट बी समबडी एल्सेस. और आपका ड्रीम जो है आपके सामने लगा दो, आपके फ्रिज पे. या मैंने और गणेश ने अपने बेडरूम के जो सीलिंग है उस पर अपना ड्रीम लगाया हुआ है, ताकि हमारी आंखें जब खुल जाए हम पहले अपनी ड्रीम को देख लें. सो फिगर आउट व्हाट इज दैट हॉट स्पॉट, कि वो क्या है जो तुमको जस्ट वांटेड, यू जस्ट वांटेड, एंड नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन टेक इट अवे. दैट इज व्हाट विल गिव यू एवरी सिंगल डे. रोज तुम यू विल बी एबल टू गो अहेड जस्ट फॉर दैट वन थिंग. और यू नो इट्स वेरी वेरी ईजी, यू नो बिल्ड इट विद टोटल डेडिकेशन एंड पैशन. इट्स लाइक तुम अगर कोई भी इस बिजनेस के बारे में तुमको अगर तुमको वो पता चला कि तुमको वो क्या चाहिए, तो कोई भी इस बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, यू विल नेवर बी अफेक्टेड. इट इज लाइक योर चाइल्ड. हाउ मेनी पीपल हैव चिल्ड्रन हियर, किस यू नो हाउ मेनी पीपल हैव चिल्ड्रन. यू लव योर चिल्ड्रन, यस. नो मैटर व्हाट दे डू, यू लव देम. दे माइट बी राइट, माइट बी रॉन्ग. आप उनको जरूर करेक्ट करोगे, पर यू लव देम. और अगर आपके जब छोटे बच्चे हैं तो यू नो आपको पता है वो कलर क्रेयॉन या कलर पेंसिल लेके वॉल पे स्क्रिबल कर लेते हैं कुछ भी, यू नो उल्टा पुल्टा डिजाइन कुछ भी. और अगर कोई आके बोलेगा ये क्या कचरा किया हुआ है वॉल पे, आपको क्या लगेगा? यू विल गेट हर्ट, राइट? यू स्टिल बी पैशनेट. आप डिफेंड करोगे कि नहीं, ये अच्छा, ये मेरी यू नो बच्चे का है एंड इट्स ब्यूटिफुल. एंड वो स्क्रिबलिंग जो है, वंस इट ग्रोज अप, इट कैन बी दैट चाइल्ड कैन बी एन आर्टिस्ट. It can be anything. It can, you know. But the thing is that defend this business like, you know, in that fashion. Because this business today might be small, might look as garbage to anybody, but it shouldn't look like that for you. You should look at it how, look at your business not how it is today, but how it can be tomorrow.
That is how me and Ganesh hamesha dekhte hain ki ye business kal kitna bada hoga, hamara business, and that's how we built this business. So total dream, total passion ke saath, you know, just build this business together. And relationship, that's all that I learned initially when I joined this business, is that I needed a lot of relationship, because ye business gives you a lot of wealth, money, residual hai, aata rehta hai. Agar tum chaho, agar tum ek bada business you know build karo, aur agar chaho to you can say I don't want money anymore, wo nahi sunega. Money will keep coming in. Every month you will get your PV check because the business has grown. But the question is that friendship is not residual. Aapko uske liye effort karna padega. You'll have to work towards building those relationships every single day. It is not aisa nahi hai ki best friend hai to us, you know, doesn't matter. Best friend hai par business partner bhi hai. So build a very good business friendship relationship. It is very important, and both husband wife together. And that's exactly how, you know, I got in this business. Main keh rahi thi business ke wajah se we had lot of rewards, not just money. Like I said, love and friendship. And third is itne sare vacations milte hain, itne sare. Main to thak gayi hoon abhi vacation se, abhi mujhe vacation se vacation lena padega. Aur it's been amazing. Abhi ye business ki wajah se humko paid vacation milta hai. Hum log jo kaam pe jaate hain, humko pata hai vacation liya to salary cut. Aur abhi to vacation liya to vacation ke baad jab wapas office jao to job bhi cut. To you know it is important ke business se kya milta hai. Aap apne you know apne leader se poocho. This year you went to Malaysia. Yeah, so it was a fully paid trip and enjoyed. Did you have to spend any money? Kuch bhi paisa apne pocket se? Everything was paid by Quickstar. Did they treat you royally? Everything. You aapko kuch bhi nahi karna padta. You just have to build. They are paying you for you to earn more for yourself. Now, yeh kaha milta hai? Kaha hai ki tumko aur jyada, you know, benefits dete hain taki tum aur jyada kamao. It's so, try to think about it. Or every year that you miss these trips, ke tum ye trips jo miss karte ho, tum apne aap ko kitna, you know, how much are you holding yourself back? Go get it, go for those trips. Hamare trips jo the, hum US mein gaye the, Las Vegas ko last year, Q12 trip tha. It was the most beautiful trip. Las Vegas jo hai, US mein, total casino ka jagah hai, a lot of casinos, lot of beautiful places there. Aur मैं बस उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी. लास वेगास में हमको बस हमारे घर से हमारे जो सूटकेस है, वी गॉट बैग टैग्स एंड प्लेन टिकट्स केम टू आवर हाउस एंड वी अलोंग विद चेक ऑफ मनी. वो लोग टिकट्स भी भेजते हैं, अपने बैग टैग्स भी भेजते हैं, एंड दे सेंड यू मनी सो दैट इफ यू वॉन्ट टू स्पेंड यू कैन स्पेंड इन लास वेगास एंड दे पे यू द मनी टू स्पेंड. एंड वो बैग टैग्स जो है वी टाइड इट टू द बैग और एयरपोर्ट में रख दिया. दैट्स इट, डिट्रॉयट एयरपोर्ट में. और हम लोग प्लेन में चढ़ गए. आफ्टर दैट वी डोंट नो वेयर आर बैग्स वेंट बट दे वर इन आर होटल रूम व्हेन वी रीच लास वेगास. सो फ्रॉम डिट्रॉयट टू लास वेगास टू द होटल इट वॉज टेकन केयर. हमको उठाना नहीं पड़ा, हमको पता भी नहीं था किसके पास है, पर पहुंच गया था. एंड हम लोग जब लास वेगास में उतरे तो हवाई जहाज से ऑल द वे टू द कोच एक बस जो था फुल रेड कार्पेट एंड इतने सारे लोग जैकेट्स और कैप्स में वेलकम अचीवर्स के साथ खड़े थे. और हम रेड कार्पेट पे चल के ऑल जो भी Q12 थे सबको इस तरह किया था. एंड वी वॉक्ड ऑन द रेड कार्पेट एंड वी गॉन ऑन द कोच. और कोच लग्जरी कोच था, लग्जरी बस. और ऐसे कि उन यू नो एमवे ये भी नहीं चाहता है कि आप बहुत यू नो एक्सरसाइज करे, इसलिए वो कोच ऐसा है कि आपको ज्यादा स्टेप भी नहीं करना पड़ता है उसके सीढ़ी पे, बिकॉज कोच कम्स डाउन एंड देन कम्स अप अगेन सो दैट यू कैन क्लाइम ऑन टू इट. सो यू नो उतनी भी आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इसलिए वो इस तरह की लग्जरी कोच देते हैं. एंड कोच टेक्स यू टू द होटल. और होटल में एज यू एंटर ऊपर यू नो स्टेन्ड ग्लास का शैंडलियर है एंड सिर्फ द शैंडलियर is $10 million, just the chandelier. And Bellagio Hotel is one of the biggest hotels in USA. USA ke magazine mein aaya tha Bellagio ke bare mein. And fully paid, your food, everything. They, wo log shows organize karte hain, everything. They have spent millions on that show. Millions of dollars on that show.
For whom? For you. And all you have to do is qualify to be there. And is tarah hi Greenbrier jaise, you know, golf resort hai, resort jahan only presidents of USA jaate hain, us tarah ki jagah pe hum gaye the. I'm telling you, humko to, hum log to middle class family se, humko pata bhi nahi hai ki golf kya hota hai. Aur wahan jaake, you know, we just enjoyed ourselves. Aur wahan jo main ek batati hu, dinner jo hai is 3 hours. Aur ek ke piche ek 5-course meal. हमको कोर्स क्या होता है वो भी पता नहीं है, बट हम बैठे उधर. और जैकेट पहनना पड़ता है, एंड यू टू वेयर अ नाइस ड्रेस. और यू नो, यू सिट देयर एंड यू हैव एक वेटर एक टेबल के लिए, और आपको जो भी चाहिए वो लाके देगा. और उस दिन के लिए आपके लिए खास एक प्रिंटेड मेन्यू है. मेन्यू पे उस दिन के डेट, आपका नाम सब प्रिंटेड है, जस्ट फॉर यू, एंड यू कैन चूज वॉट एवर यू वॉन्ट. Or not only that, they have a gold tray for you to eat in. You know, it's beautiful. It's really beautiful. Humko pata hi nahi tha ki is tarah ki jagah hote hain aur free ja sakte hain. Totally free. What did we do? We worked towards our freedom. That's all. You can do it too. Aise nahi hai ki business plan mein, you know, 2 saal hua hai, isliye 2 saal hi lagna chahiye. It depends on you. You make it happen. Have your dream very, very strong. Total submission to the system. Total submission upline. And very, very loving team. Have a very strong relationship downline. And build a big business. You have a lot. Bahut kuch hai aapko dekhne ke liye. And all through this business. This business is not LOC and products. This business is not GNH body lotion. This business is about financial freedom. And make it happen. Come join us. All right. What's the number one product of Amway? What's the number one product of Amway? Financial freedom. That's the number one product of Amway. Okay. What's the number two product of Amway? Is freedom for your children to do whatever you want. Number three, having your own private luxury car. See, these are some of the products of the business. Yeah, LOC, the soap, the toothpaste comes later. Okay, kai log bolte hain ki, you know, how is it possible? We share the dream and then we share the product. Okay, the sharing the dream is important before we share the product. Okay, that's how we build a big business. Okay, lot of people have a living, am I right? Living. और लाइफ भी होता है. लिविंग, लिविंग यानी आप काम कर रहे हैं, एट आवर्स काम कर रहे हैं. ओके, बट मेनी पीपल कंफ्यूज लिविंग विद लाइफ. लाइफ में आपका फैमिली है, लाइफ में आपका बच्चे हैं, लिविंग में आपका काम है. ओके, लिविंग में आपका, यू नो, व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू योर लिविंग. ओके, लेकिन many of us confuse living with life. Many of us make living the life. Okay? Amway, Brit Worldwide, gives you an opportunity to get your life back. So that you can spend that 8 hours which you spend at the job in your family and get financially free and retire and whatnot. Okay? In India, it takes 5 years to succeed. It takes 45 to 50 years to stay average. It takes 5 years to succeed. It takes 45 to 50 years to stay average. Okay? So, price for success is less than price for failure. Okay? So, you are better off succeeding in life than failing in life. Okay? That's what is Amway Brit Worldwide all about. When I started the business, I started it, okay, as a student. My student tha business shuru karte waqt. Okay, mera upline, my 300 PV tha. My upline quit the business. Mera upline ne bola ki ye business nahi chalega. Lekin maine ek major function, FEC hai na, FEC function gaya tha mai. Isile maine maine upline ko bola, nahi ye business chalega. Kyunki usne function nahi gaya tha wo. Mera upline. Okay? Or I went to the function. That's why I came to know. So functions are very important for you to build a business.
मैंने पहला फंक्शन में भी नहीं गया था, दूसरे सेकंड फंक्शन में गया था। पहला फंक्शन मैंने डाउनलाइंस को भेज दिया मेरा, लेकिन मैं नहीं गया। कि मैंने बोला कि $50 दे के क्या एक्साइटमेंट होना, ओके सो मेरा डाउनलाइंस को थोड़ा एक्साइटमेंट कम है, सो उनको भेजता हूं पहले। उनको भेज दिया पहले, वापस आते ही उन लोगों ने स्पॉन्सरिंग करना शुरू किया, और मेरे को स्पॉन्सरिंग करना मुश्किल हो रहा था। मेरा डाउनलाइंस बराबर स्पॉन्सर कर रहे थे। मैंने बोला ये गलत बात है, डाउनलाइंस मेरे से भी आगे दौड़ रहे हैं, ओके सो अगर उन्होंने एम्ब्रल और डायमंड जल्दी बना तो यू नो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, ओके आई विल बी स्टेइंग एज अ प्लैटिनम एंड माय डाउनलाइंस आर एम्ब्रल्स एंड डायमंड। सो मैंने बोला कि मैं डेफिनेटली जाऊंगा नेक्स्ट टाइम, ओके और नेक्स्ट टाइम मैं फंक्शन गया जीन्स पैंट और चक शर्ट, ओके मैंने अपलाइन राजशाह ने देखा, अरे जीन्स पैंट पहन के फंक्शन आया, सब लोग सूट बूट और सब यू नो, और राजशाह ने उनका व्हाइट शर्ट उनका टाई दे दिया। और मैंने बोला ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, पैसा कमाना मिलता है, शर्ट भी देते हैं टाई भी देते हैं, ओके सो इट्स अ गुड बिजनेस, ओके। और वहां दैट फंक्शन मैंने कुमार और अंजलि श्री रामकृष्णन को देखा है, ओके आफ्टर दैट रेस्ट इज हिस्ट्री। I knew that night I made a decision to go diamond. Big decisions are made at big functions. Small decisions are made in small functions. Agar aapko kaise plan dikhana hai, open meeting mein wo decision kar sakenge. Lekin agar aapko ye business build karne ka hai, open meeting mein aap decide nahi kar sakenge. Aapko FEC, spring leadership, फैमिली रियूनियन, ये सब फंक्शन में जाना चाहिए। बिग डिसीजंस आर मेड इन बिग फंक्शंस, स्मॉल डिसीजंस आर मेड इन स्मॉल फंक्शंस। अगर आपको एलओसी के बारे में जानकारी चाहिए तो स्मॉल मीटिंग चलेगा, प्रोडक्ट मीटिंग। लेकिन आपके जिंदगी के बारे में आपको जानकारी मिलना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानकारी मिलना है, तो आपको बिग फंक्शंस जाना पड़ेगा। सो दैट्स अ रीजन व्हाई यू गो टू द फंक्शंस। Okay, मैंने बिग डिसीजन नहीं ले लिया था, मैंने कुछ 6-7 लोगों को स्पॉन्सर किया था जरूर फंक्शन जाने से पहले, लेकिन बिग बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन मैंने नहीं लिया था, इसीलिए मेरा कमिटमेंट वॉज वेरी लो इन बिल्डिंग द बिजनेस। इट्स वेरी क्रिटिकल दैट यू गो टू द बिग फंक्शंस टू गेट बिग डिसीजंस मेड इन योर लाइफ, ओके। और एक बिल ब्रिट ने कहा उस फंक्शन, You should have a dream. मैंने आपको भी अभी पूछता हूं, अगर आपके पास ओके आपको लिखना चाहिए, ये नहीं कि आप मन में रख रहे हैं, ओके यू हैव टू राइट डाउन वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। इफ यू डोंट नो वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, एटलीस्ट राइट डाउन वॉट यू डोंट वॉन्ट इन लाइफ। आपके लाइफ में क्या चीज नहीं चाहिए आपको, ये लिख लो पहले, बिकॉज फियर विल मोटिवेट यू मोर देन सक्सेस, ओके फियर विल मोटिवेट यू। आपको क्या नहीं चाहिए लिख लो, ओके बॉस चाहिए क्या, नहीं चाहिए लिख लो, नो बॉस, ओके नो बॉस लिख लो, ओके सो डू यू वॉन्ट टू ट्रेवल बाय बस ऑल द टाइम, नो राइट, राइट डाउन आई हेट ट्रेवलिंग बाय बस, आई वॉन्ट हैव माई ओन प्राइवेट कार, ओके विद द ड्राइवर, हाउ अबाउट दैट, ओके लिख लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जॉब विल नॉट गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके जॉब में, ओके अब यहां नए कौन है यहां, गिव मी अ रेज हैंड, व्हाट्स योर नेम, कार्तिक सिंह, ओके क्या जॉब करते हो, रेडीमेड गारमेंट, ओके नाउ अगर कार्तिक एक जॉब कर रहा है, ओके कार्तिक ओके इज नॉट गेटिंग पेड फॉर हिज टैलेंट्स, कार्तिक इज गेटिंग पेड फॉर हिज पोजिशन, ओके हिज पोजिशन नॉट फॉर हिज टैलेंट, एंड they can pay only so much for the position no matter what his talents are, there is no difference between, agar aapke paas aaj ka newspaper hai to kal okay aur parson wo newspaper ko kitne sambhal ke rakhte ho, aap sambhal ke nahi rakhenge, kyu aapka jankari mil gaya hai, newspaper nahi chahiye, you having a job is like a newspaper for your boss tomorrow, okay।
ओके आप काम करेंगे, अगर आपको कल काम नहीं करना है तो आप न्यूज़पेपर बन जाएंगे, यू विल बी थ्रोन अवे, यू आर यूजलेस फॉर हिम. ओके अंडरस्टैंड दैट की थिंग इज अंडरस्टैंडिंग दैट जॉब इज नॉट गोइंग टू गेट यू फाइनेंशियल फ्रीडम. ओके हाउ मच एवरेज इनकम, अगर 50,000 रुपया महीने में कमा लिया तो आप फ्री हो जाएंगे, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी फाइनेंशियली फ्री. हाउ अबाउट 1 lakh, ऑल PhDs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, एनी डॉक्टर्स हियर, 1 doctor, ओके 1 lakh रुपीज, विल यू कम होम, हेलो 1 lakh, श्योर, यस, ओके या सी 1 lakh, गो एम्ब्रल्ड, यू विल हैव 1 lakh, मोस्ट ऑफ द एम्ब्रल्ड्स आर मेकिंग मोर देन दैट. As an emerald, for the rest of your life, you'll be making 1 lakh rupees per month. That's the power of duplication. Duplication mein utna power hai. In medical field, in chartered accountancy, you cannot duplicate. Okay, main ek aapko ek example deta hoon. Okay, agar maine okay a sheet of paper okay fold kiya, kitna thickness hai? Itna hi thickness hai na? Do bar fold kiya to kitna thickness hai? Itna hi hai. 3 बार इतना ही है. अगर मैंने 50 बार उसको फोल्ड किया, 50 बार कितना थिक होगा? इतना थिक होगा? ओके कितना थिक होगा? 50 बार फोल्ड किया तो कितना थिक होगा? आंसर इज 71 मिलियन माइल्स. 71 मिलियन माइल्स, इट विल रीच द सन. दिस पीस ऑफ पेपर विल रीच द सन इफ आई फोल्ड इट 50 टाइम्स. दैट्स द पावर ऑफ डुप्लीकेशन. अगर आप एक बार स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ओनली 6. व्हेन 6 पीपल स्पॉन्सर कपल ऑफ पीपल इट्स ओनली 12. व्हेन दोस पीपल स्पॉन्सर इट्स ओनली 13. सी आई हैव फोल्डेड इट 5-6 times बट इट्स ओनली दिस थिंग. बट व्हेन यू फोल्ड इट 50 times यू विल रीड द सन. सेम वे फॉर यू इन द जॉब. कैन यू फोल्ड यूर सेल्फ? नो, यू कैन फोल्ड इट ओनली वंस इन द जॉब. इन दिस बिजनेस एवरी टाइम यू स्पॉन्सर समबडी, you are folding the paper, you are folding the paper, you are folding the paper, you are folding the paper. Make sense? That's why it doesn't matter how much you earn in your current job. Agar aap 10 lakh kama rahe hain aapke job mein, congratulations, lekin still you will not be financially free because you don't have the vehicle to buy the time back. You might have the vehicle to buy the money back, but you don't have a vehicle to buy the time back. Okay, main abhi Kolkata mein khada hoon, lekin hamara business abhi, okay, USA mein, okay, what's the time in USA? It's around 9:30 in the morning. Okay, agar Kolkata mein sham hogi, to USA mein savera ho gaya. Hamara business is live in USA. That's the power. You have broken the barrier of 24 hours. To create money. You have broken the barrier of 24 hours to create the money. Okay, that is the power of this business. Okay, this new person, Rakesh, right? What's the name? Karthik. Okay, Karthik. Okay, Karthik ek Bangalore mein sponsor karega. Bangalore wala koi, Bombay mein sponsor karega. Bombay wala koi America mein sponsor karega. Abhi Karthik ko America mein koi pehchan wala nahi hai. Lekin phir bhi Karthik ka business ab America mein hai. That is a power of duplication. Karthik, agar garment store mein 50,000 bhi kama sakega, phir bhi he is not going to break that barrier of 24 hours. Kyunki garment store mein, customers only Kolkata se aayenge. Jyada se jyada east se aayenge. Lekin USA se yahan garment store mein nahi aayenge. Bahut mehanga padega garment. Okay, that is a power of duplication. आपको यह समझना चाहिए. सो अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर ऑफ एमवे एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड. आप ये नहीं बिजनेस कर रहे कि एक्स्ट्रा 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं. आप कर रहे हैं बिजनेस फॉर योर एंटायर जनरेशन टू कम. एंटायर जनरेशन. मैं थाईलैंड नहीं गया हूं, लेकिन हमारे ग्रुप में ओके विद इन 5 months वन गाय वेंट डीडी इन थाईलैंड. He is breaking another DD in the depth in Thailand. मेरे से ये मत पूछो Thailand कहाँ है, मेरे मालूम नहीं है Thailand. लेकिन हमारा DDs है Thailand में. उसका Thailand का करेंसी भी मालूम नहीं मेरे को. Doesn't matter.
But you can have the same way. If I can build it, you can definitely build it. Okay? That's what Raj and Sangeeta Shah, okay, Kumar and Anjali, Tirthankar and Suparna Datta, okay, Kulin and Meena, Kanti and Lata, इन लोगों को मैं पहले फंक्शन में देखा और मैंने बोला कि अगर कुमार राज सब कर सकेंगे मैं जरूर करूंगा. सो इस तरह मैंने बिग पिक्चर बिग डिसीजन ले लिया. नाउ बिग डिसीजन तो ले लिया लेकिन स्मॉल डिसीजन जरूर चाहिए था बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए. सो इसीलिए मैं ओपन मीटिंग्स में प्लग इन हो गया, पेस मीटिंग्स में प्लग इन हो गया, टीम मीटिंग्स में प्लग इन हो गया, प्रोडक्ट एजुकेशन में प्लग इन हो गया, क्योंकि बिग पिक्चर था लेकिन अभी स्मॉलर डिसीजन के बारे में जानकारी चाहिए था मेरे को. ओके, सो आई प्लग इन टू द सिस्टम. ओके, मीटिंग अटेंड हुआ. ओके, एफवीसी एवरीथिंग ऑल द मीटिंग्स 100% इन टू द सिस्टम. मी एंड नेहा, दैट्स द रीजन वाई वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एमरल्ड्स इन यू नो नॉर्थ अमेरिका. वाई? बिकॉज वी प्लग इन टू द सिस्टम 100%. ओके, हम लोगों ने ये बिजनेस को जॉब जैसे ट्रीट किया विद वेरी सीरियसनेस. जॉब को आप कैसे ट्रीट करते हो? क्या यू नो बारिश हो या कुछ भी हो, 9 बजे कल जरूर जाएंगे आप, है ना? क्योंकि आपको फियर है बॉस का. ऐसे ही हम लोगों को फियर था. ओके, इफ यू डोंट गो डायमंड, दैट फियर वॉज देयर इन साइड अस, दैट्स द रीजन वाई वी मेड इट. ओके, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ओ गणेश आई एम वे, ओके, सो यू नो दे स्टार्टेड टीजिंग मी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर फ्रेंड्स रेडिकिलिंग यू? वेलकम टू द क्लब. ओके, नाउ क्या करूं मैं? मैं यू नो रूममेट्स थे, 6 रूममेट्स थे मेरे. ओके, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट 4 रूममेट्स एम वे में नहीं थे, मैं और मेरा दूसरा रूममेट. अब वो ही इज गोइंग एमरल्ड दिस ईयर. ओके, एंड 4 रूममेट्स बिजनेस में नहीं थे. ओके, डजंट मैटर. वो लोग बोल रहे थे, अरे प्रमोद और गणेश सब यू नो वही टेप सुनते हैं, वही मीटिंग अटेंड होते हैं, अगर कुछ भी बोलो फायर्ड अप बोलते हैं, कुछ भी बोलो ऑसम बोलते हैं, यू नो. ओके, सो वो लोग यू नो दे वर टीजिंग अस. ओके, और एक यू नो मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि अगर $10,000 कमा लिया तो मेरे को चेक भेज देना, दिखा दूंगा और फिर ज्वाइन हो जाऊंगा. मैंने बोला ओके ठीक है. ओके, और माय रूबी गया, 10,000 का चेक आ गया, लिख दिया. ओके, अशोक हियर इज द चेक विच यू आस्क मी फॉर, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी बैक. फैक्स किया चेक. ओके, सक्सेस इज रिवेंज. ओके, सो अगर आपके फ्रेंड्स यू नो आपको यू नो रेडिक्यूल कर रहे हैं या यू नो आपको ये कह रहे हैं कि हे यू शो इट टू मी, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, दे विल बिकम योर ईडीसी एंड डबल डायमंड लेग्स, बट फोकस ऑन योर डायमंड शिप राइट नाउ. मेक सेंस? ओके, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, योर ईडीसी डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड इज टेकन केयर इफ यू हैव सच पीपल. व्हाई? दे विल जॉइन यू व्हेन यू सक्सीड इन द बिजनेस. ओके, दैट्स वॉट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माई यू नो फेलियर्स. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू गिव अप 2 years ऑफ योर लाइफ वॉचिंग टेलीविजन एवरीथिंग? ओके, फॉरगेट अबाउट इट. 2 years of the evening from 6 o'clock to 10 o'clock every single night. 6 o'clock to 10 o'clock. You'll be financially free. You'll be financially free. Okay? TV dekhna band karna padega. Okay? Whoever watches TV will never come on TV. Amitabh Bachchan TV mein aata hai. Kyun? Wo TV nahi dekhta hai. Okay? Okay? Kaun banega karorpati? Kaun banega? Wahi banega. Okay? ओके, कोई और नहीं बनेगा. ओके, सो अंडरस्टैंड दैट. सो टीवी देखना बंद किया. ओके, सो अगर आपके पास केबल है तो काट दो केबल. ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर महंगा मत बोलो, केबल काट दो. केबल का पैसा स्टैंडिंग ऑर्डर में डालो. ओके, आप बोलते हैं एफईसी का 1,200 रुपीज है. ओके, नाउ आई लास्ट योर क्वेश्चन. ओके, एक आपने चूड़ीदार या सूट ले लिया तो कितना होगा? नेक डाउन कितना स्पेंड करते हो आप? नेक डाउन कितना स्पेंड करते हो हर महीना? कितना स्पेंड करते हो नेक डाउन? हाउ मच? 500 नेक डाउन. ओके, पूरी बाजी सब. ओके, एवरीथिंग राइट?
मोर देन 500. नेक अप कितना स्पेंड करते हो हर महीना? फ्यूचर के लिए नेक अप चाहिए या नेक डाउन चाहिए? नेक डाउन इज अ लायबिलिटी, नेक अप इज अ एसेट. प्रोटेक्ट योर एसेट. ओके, अगर एफईसी ओके महंगा है तो थोड़ा खाना पीना बंद करो, ये महंगा है. ओके, ये सस्ता है, एफईसी सस्ता है, ये महंगा है. कट डाउन ऑन समथिंग सो दैट यू कैन गेट नॉलेज टू योर brain. Okay, that's the way you build a business. Standing order SOT program, वैसे मैंने 100% किया. Okay, बहुत सारे लोग हां कहे, बहुत सारे लोग ना कहे. Okay, मैंने ईमेल में कॉन्टेक्ट किया एक एक लड़के को 24 years of age. Okay, अभी this month he is an Emerald qualification, he is from Bhuvaneshwar. Okay, he is 27 years of age. 27 years of age, emerald, 30 financially free and diamond. Okay, 27 years of age, he'll be an emerald direct in North America. Okay, aur dusra ek mera friend tha PhD, you know, and I sponsored him. Okay, wo bhi platinum, moving on to unke group mein. Okay, ek emerald qualification mein hai aur bahut sare, you know, one ruby, so many people. Okay, same, my roommate. Okay, my brother is in the business right now. Okay, he is my fifth leg. Okay, aur aapko 6 log definitely milenge, lekin aapko ye business mein commit karna padega, kyunki 6 log aapke commitment deke business aayenge. Aapko deke nahi business nahi aayenge, aapka commitment deke business aayenge wo log. Agar aapka commitment hai to wo zarur aayenge business mein. Agar aap बात कर रहे हैं बिजनेस के बारे में लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस में नहीं आएंगे वो. ओके, एवरेज एडल्ट वॉचेस 27 आवर्स ऑफ टेलीविजन इन अ वीक, विच इज 18 टू 20 इयर्स ऑफ हिज लाइफ इफ ही लिव्स अंटिल 75 इयर्स. अगर 75 इयर्स एक आदमी ओके जिंदा है, 27 आवर्स ऑफ television is equal to 18 to 20 years of his life. Television dekhta, 20 years of television. Can you believe it? No wonder he is financially broke. No wonder he has all problems about Amway. Why? Because he is mentally stuck with television. Okay, 20 years. 40 years of his life working as an employee. 40 years of his life out of 75 years. 40 years. आप ये सोचो 40 इयर्स आप कैसे किसी और बॉस को यस बॉस, नो बॉस, बॉस नो बॉस, यू नो कैसे करेंगे 40 इयर्स. 40 इयर्स, 2 साल, 3 साल, प्लैटिनम मूविंग ऑन टू एमरल्ड एंड डायमंड, फिनिश इट ऑफ, बाय योर लाइफ बैक. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू कैन गो डायमंड इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, नेक्स्ट 5 इयर्स यू कैन गो डायमंड. You bought your life back. Majority of you bought your life back by 25 to 30 years. Have you realized that? 25 to 30 years. I beat the system by 35 years. 35 years. I beat the system. You know, my father and I, okay, pretty much retired on the same year. You know, 35, 40 years, I beat the system. Same thing for you. You can beat the system too. You can beat the system too. Okay, if you want. Okay, if you're already 35, if you're already 45, if you're already 55, don't worry about it. Next 5 years, once again, you beat the system within 5 years. It should not take you more than 5 years to go diamond, period. Some of you will do it much faster. I know there is already a diamond this month qualified. Okay, such an awesome, you know, Calcutta team is growing. Okay, but understand, you can do it. You can tear this business apart. Can you all do that? Yes. Okay, how about Bhagwan log? Yes. Sure? Yes. All right, okay, good. You know, that's the secret. Okay, secret is just do it. Okay, there is no magic to it. Okay, now, last thing and I'm done. This business works, okay, on the dream, power of the dream. अगर आपके पास ओके कुछ चाहिए
लेकिन वो जॉब से आपको मिलेगा, आप ये बिजनेस में ज्यादा मोटिवेट नहीं होंगे। आपको ऐसा ड्रीम होना चाहिए कि वो जॉब से आपको नहीं मिलेगा, जॉब से आपको नहीं मिलेगा, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड द बिजनेस। क्योंकि अगर जॉब से ये ड्रीम आपको पूरा होगा तो ये बिजनेस में किस लिए है, आपको ये बिजनेस नहीं चाहिए। सो आपको ऐसा ड्रीम ओके लिखना पड़ेगा कि वो जॉब से नहीं मिलेगा। ओके मैंने लेक्सस ड्रीम था मेरा, लेक्सस फुली पेड लेक्सस, ओके एज अ गिफ्ट टू नेहा, ओके एंड आई गेव हर अ गिफ्ट लेक्सस 4x4 लेक्सस। व्हाई? मेरा जॉब डेफिनेटली लेक्सस नहीं मिलेगा मेरा जॉब से। सेम थिंग फॉर मी, आई ड्राइव अ लेक्सस, ओके बोथ मी एंड नेहा ड्राइव लेक्सस, ओके एंड व्हाई? बिकॉज वी कुड नॉट गेट इट थ्रू द जॉब। सो आपको लिखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके बांध रहे हो बिजनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के पास ड्रीम्स होना चाहिए। ये नहीं कि हस्बैंड का ड्रीम है वाइफ इट्स नो बिग डील, नहीं, हस्बैंड और वाइफ का सेपरेट ड्रीम्स होना चाहिए। यू हैव टू हैव सेपरेट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रीम्स। क्योंकि अगर हस्बैंड खाना खा रहे तो वाइफ बोलेगी क्या, हस्बैंड खाना खा रहे हैं मैं भी खुश हूं। नहीं ना, आप भी खाना खाएंगे ना। ऐसे ही यू हैव टू, बोथ ऑफ यू हैव टू हैव द ड्रीम टू बिल्ड दिस बिजनेस टूगेदर। ओके और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ बिल्ड यू आर बिल्डिंग द बिजनेस, आपको दोनों को मीटिंग में आना पड़ेगा। ये नहीं कि ओनली हस्बैंड कम्स वाइफ इज एट होम, ओके हस्बैंड सिर्फ आ रहे हैं ओके और वाइफ नहीं है, ओके इट विल नॉट वर्क। दिस लाइक ए जेंटलमैन क्लब, ओनली हस्बैंड्स आर हियर, नो इट विल नॉट वर्क। ओके अगर दूसरा एक्सट्रीम, अगर वाइफ्स है लेकिन हस्बैंड्स नहीं है, ओके ये महिला सम्मेलन नहीं है, दिस इज अ हस्बैंड एंड वाइफ इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस। सो बोथ ऑफ यू हैव टू वर्क। आई वेंट एमरल्ड सिंगल, डजेंट मैटर। I went emerald single, doesn't matter. Okay, you can build it. So if you are married, get together. Sponsor each other first before you sponsor somebody else. How about that? Okay, sponsor each other first before you sponsor others. Okay, that's how me and Neha build a business. Me and Neha are going diamond because we both are becoming diamond. You can go diamond, but you have to become diamond to go diamond. Okay, you can go diamond, no question about it. Going diamond is your organization, but have you become diamond? Becoming diamond is your job. Okay, what other people think? Okay, kai log, aray, society mein kya status hoga, maine Amway build kiya to. Okay, aapko status chahiye ya paisa chahiye? Status stands for simply too arrogant to understand success. STATUS. Simply too arrogant to understand success. That's a definition of status. Okay, mere ko status nahi chahiye tha. Friday parties, Saturday parties mein status nahi chahiye tha. Kyunki I was not competing with them at a Maruti level, at a Lancer, Mitsubishi level. Because my goal was to have my private jet. Okay, Bill Britt ke saath koi status comparison nahi karega. Okay? और कांति गाला के साथ कोई स्टेटस नहीं कंपेयर कर, क्योंकि दे आर वेल हेड। आपको वैसे ही स्टैंडर्ड्स रखना पड़ेगा। ओके और कई लोग हैं दे से ओ मेरे को एमवे के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है, ओ मेरे को सब कुछ मालूम है, उनको रिच डिवोर्स के बारे में मालूम है, सबको बारे में मालूम है। ओके सो उनको आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ओके इट्स लाइक दिस, ओके रात को यहां रोड साइड में dogs, lot of dogs around here, roadside. Okay, agar night 12 baje, okay, ek moon, okay, there is a dark, full bright moon. Okay, or have you seen dogs barking at the moon? Okay, sometimes there is a lot of dogs playing, but one dog suddenly sees the moon, bow 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 bow, seeing at the moon and barking at the moon. Okay, now. मून ने कुत्ते का क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर भी भौंक रहा है। ओके नाउ, ओके होल्ड ऑन, ओके
अगर अभी कुत्ता यू नो भौंक रहा है तो ये नहीं कि मून यू नो इज अ बैड गाय. ओके, और आप ये करो, ओके कुत्ते को बोलो कि अरे चुप. ओके, कुत्ता क्या बोलेगा? आपको देखेगा, एक बार भौ बोलेगा और फिर भी भौ 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 वो करेगा, है ना? ओके, कई लोग ऐसे ही हैं. एम्वे इज द मून. ओके, समटाइम्स पीपल जस्ट बार्क. ओके, एम्वे ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, उनको एम्वे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं. ओके, दे आर जस्ट बार्किंग एट द मून. ओके, सो लीव देम अलोन. सवेरा हो गया तो कुत्ता वापस चलेगा क्योंकि थक जाएगा. ओके, सो इफ यू फाइंड सच पीपल हु आर बार्किंग, डोंट वरी अबाउट इट. यू जस्ट फोकस, यू ट्रीट देम नाइसली, यू जस्ट से डोंट बी मैड एट देम, यू जस्ट से हे मे नॉट बी द राइट टाइम, मूव ऑन नेक्स्ट. ओके, थोड़ी देर के बाद, एक साल के बाद, दो साल के बाद, तीस साल के बाद वापस आएंगे लोग. व्हाई? It is not the problem with them. It's a problem with his mindset. Okay? कई लोग एमवे देके एलओसी देखते हैं, कई लोग एमवे देके financial future देखते हैं, financial freedom देखते हैं. Okay? लेकिन financial freedom देखने के लिए थोड़ा focus करके एमवे देखना पड़ेगा. अगर आपने एक glance करके देखा एमवे, आपको सिर्फ एलओसी दिखेगा, product, सिर्फ product, that's it. But this is much beyond products. This business is much beyond product. Okay? Hamare group mein, hamare direct ko, accident ho gaya. Okay? Head-on collision with a truck and a car. Lungs punctured ho gaya. Aur abhi coma mein hai. Lekin, he has 3 strong legs. Okay? 2 bache hain. Okay? He is going to be all right. Okay? 2 bache hain. He has 3 strong legs. Now I know for sure his family, he doesn't have to worry. I know he's going to be better and he's going to come back, but he doesn't have to worry. Why? Because his 3 strong legs are going to create some income for him, for his family. Okay? That is the reason why you build this business. Okay? Can you all do that, guys? 2 years? 2 years, can you work it? Okay, that's all. That's all me and Neha have done. Me and Neha have been 100% committed for 2 to 3 years to build our financial freedom. Some of you are unnecessarily dragging it. Some of you are doing just enough to make yourself miserable in the business. Okay, just doing enough to be miserable. No, make sure you do whatever it takes to succeed in the business, not to just stay miserable in the business. Succeed in the business. Okay, agar kisi ne Amway ke baare mein kaha to don't worry about it. Don't worry about moon. Okay, don't worry about it. Okay, agar किसी ने कह दिया तो डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट, एनओ, नो स्टैंड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी. ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी. ओके, 6 पीपल आर देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट. 6 पीपल विल जॉइन योर बिजनेस नो मैटर व्हाट. 6 पीपल आर देयर वेयर मी एंड नेहा कैनॉट टच, बट ओनली यू कैन टच देम. 6 पीपल आर देयर फॉर यू वेयर बिल एंड पेगी ब्रिट कैनॉट टच, बट ओनली यू कैन टच. 6 पीपल आर देयर where Tirthankar and Suparna cannot touch, but only you can touch. So don't worry about it. Your 6 people are there, but the question is that, are you worth to lead those 6 people? Those 6 people are waiting for you to take the lead. So you make sure that you lead. With that, pretty much we are done. Back to the host. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of any other corporate entity. Purchase of this product is optional. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.